योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में किसानों को जल्द मुफ्त बिजली का तोहफा दे सकती है। विधानमंडल के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली का सरकार का कोई इरादा नहीं है। खन्ना ने कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से ज्यादा लाभ मिलेगा। चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने बोले कि सरकार किसानों के कृषि कनेक्शन पर फ्री बिजली देने पर विचार कर रही है। जल्दी विपक्षी दल के सदस्य सदन में किसानों को फ्री बिजली देने के लिए सरकार को बधाई देते नजर आएंगे। बरेली में विवादग्रस्त जोगी नवादा इलाके में फिर से कांवड़ यात्रा निकालने की परमिशन मांगी गई है। सावन के सातवें सोमवार से पहले 20 अगस्त रविवार को कांवड़ यात्रा निकालने की तैयारी है। अपर नगर मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर कांवड़ यात्रा की अनुमति को कहा गया है। हालांकि यहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी या नहीं इस बात पर अभी तक प्रशासन का रुख साफ नहीं है। बता दें कि सावन के पांचवें रविवार और सोमवार को जोगी नवादा से कांवड़ यात्रा निकालने की परमिशन को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया था। जोगी नवादा और चक महमूद में लगातार सावन के दो रविवार बवाल हो चुका है। विवाद बढ़ने पर यहां पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। तभी से इलाके में तनाव और विवाद की स्थिति बनी हुई है और फोर्स की तैनाती है। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन सहित अन्य त्योहारों पर होने वाली पतंगबाजी से दुर्घटनाएं न हो इसके लिए आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बरेली में तमाम हादसे हो चुके हैं। कितने ही लोगों को लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। अब सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने एक बार फिर चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग उठाई है। आंवला सांसद ने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को पत्र लिखकर बरेली नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही सांसद ने आम लोगों से अपील भी की है कि पतंगबाजी करते समय चाइनीज मांझे का प्रयोग हरगिज न करें। किसी के लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए देसी मांझे और धागे से ही पतंग उड़ाएं। सोशल मीडिया की ताकत राष्ट्र की मजबूती में काम आए इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई तरह के कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसी क्रम में विश्व संवाद केंद्र के सौजन्य से बरेली में 27 एवं 28 अक्टूबर को पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। बरेली पहुंचे आरएसएस के ब्रजपांत के सह प्रांत प्रचार प्रमुख कीर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, फिल्म फेस्टिवल के जरिए युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, मेरा गाँव मेरा देश जैसे विषयों पर डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में बनाने के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। बरेली में आज से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आगाज हो गया। डीएम सेवाकांत द्विवेदी और सीडीओ जग प्रवेश ने अलग अलग स्थानों पर अभियान का शुभारंभ किया। सभी अफसरों और कर्मचारियों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। एडीजी पीसी मीना ने भी अपने कार्यालय में वीर शहीदों को नमन करते हुए पुलिस कर्मियों को संकल्प दिलाया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हर गाँव और नगर से एक एक कलश में मिट्टी भरकर लखनऊ व दिल्ली ले जाई जाएगी। इससे पहले जिले में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। बरेली की थाना बहेड़ी पुलिस पर पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी को पत्र लिखा है। वरुण गांधी ने बहेड़ी कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद ने कहा कि पुलिस की मिली भगत से बहेड़ी क्षेत्र में नशे और जुए का काला कारोबार हो रहा है। डीजीपी से पुलिस के खिलाफ उन्होंने जाँच कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र से आए दिन पुलिस की शिकायतें मिल रही हैं। पुलिस के संरक्षण में गोकशी जुआ और नशे का कारोबार होता है जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्षेत्र के लोगों के साथ बहेड़ी पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। कोतवाली में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बता दें कि बरेली की बहेड़ी विधानसभा पीलीभीत लोकसभा का हिस्सा है जिसकी सदन में अगुवाई वरुण गांधी करते हैं। बरेली में किसान संगठनों ने भारत छोड़ो दिवस के मौके पर विरोध दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसान महासभा के बैनर तले तमाम किसान कचहरी पर जमा हुए थे। संगठन ने किसानों पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ सरकार को कोसा और अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की। किसान नेताओं ने कहा कि आज वे लोग परेशान और उपेक्षित हैं, उन्हें सरकार की मदद नहीं मिल रही जबकि पूंजीपतियों का साथ दिया जा रहा है। किसान महासभा ने सरकार से किसानों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की मांग उठाई है। बरेली में बुधवार को आशा कार्यकर्त्रियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आशाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और नारेबाजी के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में आशाओं ने कहा है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उन्हें नियमित किया जाए। उन्होंने आशाओं का बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग भी की है। आशाओं ने कहा कि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगी।
बरेली के आमला इलाके में 10वीं की छात्रा के सुसाइड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मोहल्ला घेर निवासी ताबिस रजा खां के साथ एक नाबालिग किशोर को भी गिरफ्तार किया है जो नाई की दुकान पर काम करता है। दोनों लड़के इंस्टाग्राम के जरिए छात्रा के संपर्क में आए थे और उसके फोटो एडिट करने के बाद अश्लील बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को टॉर्चर किया जा रहा था। इससे परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पकड़े गए छात्र ताबिश को जेल भेज दिया है जबकि दूसरे नाबालिग आरोपी को किशोर सुधारगृह भेजा गया है। बरेली में बाइक सवार माँ बेटे को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना साई क्षेत्र के कुलछा गांव निवासी नंदो देवी बेटे मनोज के साथ बाइक से रिश्तेदारी में जा रही थी। बड़ा बाईपास पर झुमका तिराए के करीब बेकाबू ट्रक बाइक को रौंदता निकल गया। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।